ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से इस महफिल में आपका इस्तकबाल है। हम शुरू करेंगे विद अ ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन जी। उन्होंने कहा कि जो हक पाकिस्तानियों को मेरी गजलों पे है वही हिंदुस्तानियों को भी है। उन्होंने मुझे कम प्यार नहीं दिया। मैं समझती हूँ कि आज के ये ओकेजन पे ये बहुत ही अहम बात है और इससे हम शुरू करते हैं। मैं चाहूँगी कि श्री फयाज़ अहमद फैजी जी ही विल कंपेयर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग। अब आप नहीं आएंगे ना? थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात, ये मुसीबत मुझ पर अचानक आई है। पिछले हफ्ते फिरोज़ अशरफ साहब घर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा था, दोनों किताबें दी थी मुझे, उर्दू और अंग्रेज़ी में, और ये कहा था कि तुमको उर्दू किताब पर बोलना है। इसका मतलब मैंने ये समझा कि तुमको अंग्रेज़ी नहीं आती है इसलिए उर्दू में तुमको बोलना है। तो बात किसी हद तक सही थी, हालांकि हकीकत यह है कि मैं दोनों में डेफिशिएंट हूँ, उर्दू में कम हूँ, अंग्रेज़ी में ज़्यादा हूँ। अब मुझसे ये कहा गया है कि अंग्रेज़ी की किताब का जो इनॉग्रल फंक्शन हो रहा है उसको भी आपको ही कंपेयर करना है, तो वो कैसे किया जाता मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम है। अगर कोई अच्छी बात मेरे मुँह से निकल जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारी सैयद फरहाना अशरफ की किताब माई सॉइल माई सोल के रस्म इजरा के लिए, इनाग्रेशन के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जावेद आनंद जी को, मोहम्मद वजीउद्दीन साहब और डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी को कि तशरीफ लाएं आपकी तालियों के दरमियान। वो किताब भी ले आइए। हाँ, खुद फरहाना, आपका नाम मैं भूल गया था। फिर मुझे जमीन पे बैठना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ठीक है। नहीं, मैं जमीन का ही आदमी हूँ। अजय सही है सही है। तो ये सब पाकिस्तानी फॉर्मूले हैं, जिसको जमीन पे बिठाना होता है उसको कहते हैं तुम्हारी जगह सबसे ऊपर है। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मेहमानों से कि फरहाना अशरफ की किताब का इनॉग्रेशन किया जाए। बहुत कम वक्त है और मैं बहुत वक्त लेने वाला हूँ, इसलिए और जल्दी जल्दी किया जाए। जल्दी खुल गई। एक बार और तालियों से इस्तकबाल कीजिए जी। जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फरहाना, सैयद फरहाना अशरफ से दरख्वास्त करूँगा कि वह आएँ और अपनी किताब के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाएं ताकि आपको यकीन हो जाए। आइए। हेलो एवरीवन, आई एम फरहाना, सैयद फरहाना अशरफ। आई वर्क एज अ लेक्चरर, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन and I work in Thakur Vidya Mandir Junior College. Now, to begin with, as we all know, history has witnessed gory incidents of bloodshed, war, murder, political upheavals. Nations have tumbled, dynasties
and monarchies have ruled and gone. Colonialism, merging of nations like East Germany, West Germany, and not to forget back home, our own partitioned land. In my book review, Professor Zahir Ali, he has mentioned that why did I choose to write about a subject like partition in an age of internet, in an age of modernism, why did I choose a topic like partition? So let me tell you all, this topic is very close to my heart as I had been a victim of the riots, Mumbai riots. I was born and brought up in a cosmopolitan area like Malad. And after the Mumbai riots that shook Mumbai, suddenly I realized that I'm a Muslim. Suddenly my identity changed. And I had to predominantly shift my residence. My whole family had to shift our residence to Jogeshwari. Then I was just nostalgic about the stories that I had been hearing from my grandmother about partition. And that's how it began. I thought there's something to write. I should write what's wrong. Why India? Why Pakistan? Why not one nation? And some years back, my mom met a woman who had carried a bag of soil. That is the soil of India, her motherland. She had carried that soil, and it's a real story, like a real incident, to Pakistan. And she felt very close to that soil, the motherland India. So that's how I thought, let's unfold a new chapter, sharing my own experience. And that's how I gave birth to my novel, My Soil, My Soul. The title itself speaks volumes about the story. So let's unfold a new chapter, a chapter of love, a chapter of affection, and above all, a chapter of humanity. Thank you. Over to you, Faizizi. बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना, आपने जो वक्त बचाया है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा जुडिशियसली. आई नो राइट राइट. अब लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में भी फर्क होता है, तो क्वालिटी मैंने उनके लिए छोड़ दी है, क्वांटिटी मेरे पास में है. तो अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाएंगे. फिरोज अशरफ साहब, आपकी किताब जी. हाँ, आपकी किताब. लेकिन उससे पहले एक मिनट. अब ऐसा हुआ कि हमारी फरहाना का इंट्रोडक्शन मैं नहीं करा सका क्योंकि मैं उन्हें बहुत नहीं जानता हूँ. लेकिन फिरोज अशरफ साहब की किताब की रस्म इजरा हो रही है, तो मैं आपकी इजाज़त से, मैंने कुछ लिखा है उनके तारुफ में, उनके अगेंस्ट कुछ लिखा है, कुछ फेवर में है, वो मैं कुछ हिस्से आपको सुनाना चाहता हूँ जो इंटरेस्टिंग है, आप सबकी अगर परमिशन हो तो. वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं, तो कुछ आपसे वक्त की इजाजत लेकर मैंने एक आर्टिकल लिखा था फिरोज अशरफ साहब की फरमाइश पे, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि नहीं, आपको बहुत वक्त नहीं दिया जाएगा. तो मैंने ये लिखा है कि हिंदुस्तानी फिरोज अशरफ का पाकिस्तान नामा. तो इसमें जो किताब पे जो तबसरे हैं वो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन इनके बारे में जो कुछ बातें मैंने लिखी हैं जो शायद आपको नहीं मालूम है, मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपसे शेयर करूँ. तो रियासत बिहार की दो चीज़ें हिंदुस्तान भर में मशहूर हैं, एक लीची और दूसरे खुद बिहारी. बिहारी लोगों की तारीफ अल्फाज में करना मुमकिन नहीं है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, आजमाई शर्त है. हिंदुस्तान की आज़ादी का दाग दाग उजाला और शब गजीदा शहर देखने की तमन्ना लिए फिरोज अशरफ ने हजारी बाग बिहार के एक सूफी खानवादे को अपनी पैदाइश के लिए चुना. तालिबे इल्मी के दौरान गैर दर्शी किताबें पढ़ते रहे और
दर्शी किताबों से दूरी बनाए रखी, जिसकी वजह से हंसते खेलते बीएससी की डिग्री हासिल कर ली। यूं भी बिहार में एक्स्ट्रा करिकुलर सरगर्मियों में सरगर्म रहने वाले और क्लासरूम से गायब रहने वाले तालिबे इल्म ही मुल्क का नाम रोशन करते हैं, कुछ तो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। जिन्हें सियासत पसंद नहीं होती वो आईएएस अफसर बन जाते हैं। फिरोज अशरफ ने अपने लिए अलग राह चुनी और जर्नलिज्म का कोर्स करने मुंबई चले आए और उसी की जुल्फों के असीर होकर रह गए। किसी शायर ने कहा है कि हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। 6 बरस बाद मोहतरमा आरफा सरवर से राजो नियाज की बातें हुई, अहदो पैमान किए गए। पाकिस्तान में होते तो इस जुर्म की पैदाश में उन्हें जेल हो सकती थी। हिंदुस्तान था इसलिए जिंदगी भर के लिए उन्हें शादी की जंजीरों में कैद कर लिया गया। ये 60 और 70 की दहाई का जमाना था जब बंबई में किसी नौजवान को कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, वो जर्नलिस्ट बन जाता था, जहां उसे अपने से कम पढ़े लिखे बॉस से सहाफत की ABCD सीखनी पड़ती थी। तनख्वाह इतनी कम मिलती थी कि उससे तन ढांपना और इज्जत बचाना भी मुश्किल नजर आता था, इसीलिए उस जमाने में जर्नलिज्म एक इज्जतदार पेशा समझा जाता था। और माफिया ने जर्नलिज्म की तरफ दुश्मनी का हाथ अभी नहीं बढ़ाया था। बहरहाल जहीन और फतीन फिरोज अशरफ ने अखबार की नौकरी करने के बजाय फ्रीलांस जर्नलिस्ट बनने को तरजीह दी कि इसमें आदमी रिंद का रिंद रहता है और हाथ से जन्नत भी नहीं जाती। फिरोज अशरफ ने चूंकि थोड़ी बहुत फारसी भी पढ़ ली थी और ये भी पढ़ लिया था कि पढ़े फारसी बेचे तेल, इसलिए उन्होंने सहाफत के साथ तेल फरोख्त करने का रोजगार हासिल कर लिया और बरसों इंडियन ऑयल के तेल से अपने कलम की धार चमकाते रहे। 1965 से 2012 पिछले 47 वर्षों में फिरोज अशरफ से बेशुमार कारनामे सरजद हुए हैं, यानी ये कारनामे उनकी किसी शौरी कोशिश का नतीजा नहीं है। मैं जिसे छूता गया वो जावेदा बनता गया। उनके कारनामों की फहरिस्त देखना हो तो उनकी किताब पाकिस्तान नामा के दोनों फ्लैप पढ़ लीजिए। यकीन कीजिए हमने आज तक किसी किताब के फ्लैप पर इतनी सारी सच्ची बातें एक साथ नहीं पढ़ी, वरना हमारे मुल्क में फ्लैप निगारी का फन इतना तरक्की कर चुका है कि सिर्फ फ्लैप पढ़कर नक्काद और सहाफी पूरी किताब पर तबसरा बआसानी लिख डालते हैं। फिरोज अशरफ बुनियादी तौर पर एक सच्चे ईमानदार मुखलिस और भोले भाले कलंदर सिफत हिंदुस्तानी हैं। उनके कालमों का इंतखाब पाकिस्तान नामा इसका जीता जागता सबूत है। वो चाहते तो इसमें सिर्फ अपने बेहतरीन कालमों को पेश कर सकते थे, मगर उन्होंने मासूमाना शरारत के साथ इसमें अपने इब्तदाई कॉलम जो नस्बतन जोरदार नहीं है उन्हें भी नमूने के तौर पर किताब में शामिल कर लिया है। फिरोज अशरफ ने अपनी शराफत का सबूत अपनी किताब के पेश लफ्ज में भी दिया है। वो लिखते हैं, हम अपनी शरीक हयात मोहतरमा आरफा सरवर का खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहेंगे, जिनके तआवुन से हमारा कॉलम बिला नागा हर हफ्ते डेडलाइन के कबल नवभारत टाइम्स के एडिटर की मेज तक पहुंचता रहा। बारिश, तूफान, ट्रांसपोर्ट का मसला और न जाने कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करते हुए भी उन्होंने, यानी उनकी बेगम ने, कॉलम को नवभारत टाइम्स पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। ये तहरीर फिरोज अशरफ की शराफत का सबसे बड़ा सबूत है, इसलिए कि दुनिया के तकरीबन हर दानिश्वर और फनकार के बारे में ये बात कही जा सकती है कि हर कामयाब फनकार के पीछे एक औरत और हर नाकाम दानिश्वर के पीछे एक बीवी होती है। फिरोज अशरफ की इनफरादियत यह है कि उनकी कामयाबी के पीछे जो औरत है वही उनकी बीवी भी है। अब मैं कुछ इससे जो किताब के बारे में है वो छोड़ता हूं।
फिरोज अशरफ को उम्मीद है कि तरक्की पसंदों ने पाकिस्तान में जिस खुशहाल समाज का ख्वाब देखा था वो जरूर पूरा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फिर से दोस्ती और भाईचारगी के ताल्लुकात कायम होंगे। हमें नहीं मालूम कि पिछले 47 वर्षों की कॉलम निगारी के बाद वो अपने इस मकसद में कितने कामयाब हुए हैं, लेकिन इस कॉलम निगारी का एक फ़ायदा खुद फिरोज अशरफ को ज़रूर हुआ है कि वो पाकिस्तानी मसाइल के सबसे बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। एक जगह वो लिखते हैं, ये सुनने जैसा है, अखबारों में जबरदस्त बहस चल रही है कि पाकिस्तानी औरतों को साड़ी पहनना चाहिए या नहीं, ये एक इस्लामी पोशाक है या गैर इस्लामी। 7-8 साल पहले जब साड़ी पर पाबंदी की आवाज उठी थी तो औरतों की अंजुमनों ने डटकर उसका मुकाबला किया था। नतीजन आज भी पाकिस्तानी महफिलों और घरों में साड़ी पहनी जाती है, बल्कि अब तो पाकिस्तानी साड़ी बांधने के तरीके में भी तब्दीली लाई गई है। पाकिस्तानी साड़ी में अब पाजामे की तरह नेफे का इस्तेमाल होता है, इससे साड़ी खोसने का ढंग बदल गया है, साड़ी पहनने में सहूलत हो गई है। हमें यकीन है कि पाकिस्तानी मसाइल पर फिरोज अशरफ की जो गहरी नज़र है उसे चैलेंज करने की हिम्मत हमें यकीन है कि पाकिस्तानी मसाइल पर फिरोज अशरफ की जो गहरी नज़र है उसे चैलेंज करने की हिम्मत खुद सदर पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जरिए ना अहल करार दिए गए वज़ीर आज़म भी नहीं कर सकते। दरअसल हमारे यहाँ पाकिस्तान के ताल्लुक से दो रवैये आम तौर पर मिलते हैं। एक तबका पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और उस पर फौजी कार्रवाई ही को अपने तमाम मसाइल का हल समझता है। दूसरा तबका वो है जिसका दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है और जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुसलमानों को हमेशा मजलूम समझता है। एक तीसरा तबका वो है जो है तो बहुत छोटा मगर ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल को मारूजी यानी ऑब्जेक्टिव नुक्ते नज़र से देखता है और जो बर्रे सगीर में अमन आश्ती का खाहा है और दोनों मुल्क के माबेन तजारती और तहजीबी मेलजोल और तबादले का ख्वाहिशमंद है। इस रवैये का नाम फिरोज अशरफ है। यहां ताली बजाई जा सकती है। इस रवैये का नाम फिरोज अशरफ है जो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है कि मुंह बोलती तस्वीर है। हिंदुस्तानी फिरोज अशरफ की किताब पाकिस्तान नामा की छपाई और कंपोजिंग दोनों ही जाजिब नज़र हैं, मगर इसमें किताबत या कंपोजिंग की बीसियों गलतियां हैं जिससे पता चलता है कि ये उर्दू की किताब है। खुद हमने अपनी किताबों में किताबत और कंपोजिंग की गलतियों को कभी दुरुस्त नहीं किया कि इससे मुसन्निफ की अपनी जबान की गलतियां भी छुप जाती हैं। बहरहाल ये किताब इस बात का सबूत है कि 69 बरस की उम्र में भी फिरोज अशरफ का कलम थका नहीं है और वो अंजाम और इनाम से बेनियाज अपने मिशन में लगे हुए हैं। अपना तो काम है कि जलाते चलो चराग रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। ये मेरे इस मजमून के जो कम अच्छे हिस्से थे मैंने आपको सुना दिए। अब ज़्यादा अच्छे हिस्सों के लिए आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे मेहमानों से, जो विश्वनाथ सचदेव जी हैं, सरफराज आरजू साहब हैं, वो भी तशरीफ़ ले आएं और इस किताब की रस्म इजरा। जी हाँ जी, मैं भी शामिल। अरे मेरा मजमून मत ले जाइए आप। किनका
अच्छा जी 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 समझ गया मैं. मुझे हुक्म दिया गया है, घरेलू हुक्म है, मतलब इन हाउस ऑर्डर आया है कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी करा दूं. हालांकि जितने मेहमान हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है सिवाय मेरे जिसका तारुफ कराया जा सके. तो सबसे पहले तो सैयद फिरोज अशरफ हैं जो अपने नाम में सैयद नहीं लगाते हैं कुछ नामालूम वजूहात के बिना पर, जिनकी किताब पाकिस्तान नामक अभी हिजरा हुआ. जावेद आनंद साहब हैं जो बरसों से बल्कि सदियों से कौमी यकजहती के लिए काम कर रहे हैं. और उसके बाद मोहम्मद वजीउद्दीन हैं जो जिनको हर संडे हमको टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ना होता है, उसमें से बहुत से मजामीन बहुत अच्छे होते हैं. उसके बाद जी मज़हर कामरान साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, जर्नलिस्ट दिखाई देते हैं लेकिन हैं फिल्म मेकर. उसके बाद सरफराज आरजू हैं जो बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं लेकिन और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने, एक 75 साल पुराने अखबार के एडिटर और मालिक हैं. और हमारे मेहमान हम जो इनके पीछे जो शख्सियत है फिरोज अशरफ साहब के, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी खड़ी हो जाए प्लीज़, और तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनकी किताब इन्होंने लिखी है मगर इनकी वजह से लिखी गई है, इसलिए ये भी. अब मैं फिरोज अशरफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और मेरी कही हुई बातों का असर जायल कर दें अपनी गुफ्तगू से. बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत तेज़ रफ्तार बोलते हैं, उनके ख्यालात जो हैं वो उनके उनकी गुफ्तगू से आगे निकल जाते हैं. तहरीरों में भी यही हाल है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत कम लिखते हैं वो. फिरोज अशरफ साहब, आपके मेरे लिए कुछ बचाई नहीं कहने के लिए. और जिस अंदाज में आपने कहा, मेरा ख्याल उसके बाद में अभी हम जैसे लोगों का कहना और कुछ ज़्यादा बोलना सिर्फ रस्मी होगा, कोशिश करेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो अंदाज है बिहारी है, आप रियल बिहारी हो. और आपने बहुत सारी बातें तो कही दी. ये पाकिस्तान नामा कॉलम हमारा है ये 1985 से शुरू हुआ अखबारों में. 6 मार्च 1985 को पहला हमने लिखा था, 6 मार्च 1985, और अभी तक ये कॉलम जारी है, हफ्तावार वीकली कॉलम है. इस हिसाब से जब ये 2010 से जब इसके 25 साल पूरे हो गए तो फिर बड़ी खुशी हुई, अपने हमको बहुत खुशी हुई कि 25 साल पूरे हो गए. 25 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, खुद पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया. इस 25 साल में 2 डिक्टेटर आए और चले गए, एक जियाउल हक और दूसरे परवेज मुशर्रफ. 2 डेमोक्रेट आए और चले गए, कौन, ये बेनजीर और नवाज शरीफ. तो 4 लोग चले गए, कितनी हुकूमतें चली गई और क्या क्या हो गया, बहुत बहुत पानी बहा सिंध में और इसमें गंगा में बहुत पानी बहा. और लेकिन पाकिस्तान नामा अपनी रफ्तार से चलता रहा और छपता रहा और लोगों ने इसको जो हम अपने मुँह से हम क्या कहें, पसंद किया, बहुत पसंद किया. वरना किसी भी अखबार में आप लोगों को पता होगा, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, अखबार में वही छपता है जो पढ़ा जाता है. अब लोग पढ़ते थे, अप्रिशिएट होता था इसके लिए, छापा जाता था, वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत स्पेशल ऑर्डरी हमको कोई ट्रीटमेंट दिया गया हो. और इसलिए छापा क्यों जाता था, लोग पसंद क्यों करते थे, इसकी वजह हमने ढूंढ निकाली. अब साहब इंडिया पाकिस्तान में बेनजीर और अटल बिहारी वाजपेयी जी या हमारे मनमोहन सिंह जी और वह गिलानी साहब या जरदारी साहब, बेनज़ीर, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इन सबों के बारे में तो बेतहाशा लिखा जाता है, बहुत लिखा जाता है. लेकिन सड़क पर चलता फिरता आदमी को कोई नहीं पूछता है. इस सिलसिले जरा सा थोड़ा हट के हम बताना चाहेंगे. 1988 में हम गए कराची, गए हम 1988 में इलेक्शन के टाइम में, वहाँ इलेक्शन का चल रहा था दौर, और उसी में एक मौका मिल गया हमको कि वहाँ वीज़ा नहीं मिलता है, एक ही जगह जाना पड़ता है. इतफाक से कुछ ऐसा चांस हो गया कि हमको पूरा बलूचिस्तान, सूबा सरहद, थोड़ा सा सिंध, ये सब घुस गए. और जब बड़ा डर लग रहा था, हमारे लोग, हमारा रिश्तेदार, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो वहाँ हमारी एक रिश्तेदार की लड़की ने कहा, हम कह रहे भैया तुम सारा पाकिस्तानी पकड़ लोगे, मारोगे हमको, ये करोगे, पठान लोग बड़े बड़े उनके फौजी पंजाबी वंजाबी कह, नहीं नहीं. तो फिर उसने कहा, क्या हमारी एक बहन ने कहा, अरे कैसे आप हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इतना डरते हैं आप. यह बात सुनकर कि सचमुच हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट तैयार हो गया, चलो चलेंगे.
तो बिना इसके क्या बोलते हैं वीजा के अपन घुस गए कहाँ, बलूचिस्तान के कई जगह चले गए, सुबह शहर चले गए, कहाँ कहाँ चले गए समझ। और डर इतना लगता था कि वहाँ के पोशाक से, ड्रेस से पता चलता था, वहाँ ड्रेस तो मेरा ये जो यहाँ पहनते हैं हम लोग, पाकिस्तान वो ड्रेस नहीं पहनते हैं, सारा पाकिस्तान जो है सो एक ड्रेस पहनता है, वो उनका जो चूड़ीदार, हाँ हाँ वो ज़्यादातर वही पहनते हैं, इसे बहुत दिक्कत हो गई। फिर भी वो हमने किसी तरह से, और दो तीन जगह हमको बहुत बहुत डेंजर भी हो गया, बहुत खतरा हो गया पैदा दो तीन जगह कि अब पहचान मेरी हो जाएगी और बड़ा क्या हो जाएगा, लेकिन किसी तरह से। तो उससे बड़ा फायदा क्या हो गया कि पूरे पाकिस्तान को देखने को मिला। हमने क्या देखा वहाँ पाकिस्तान में, हमने बलूचिस्तान के छोटे छोटे गाँव देखे, मिट्टी के घर देखे, मिट्टी की मस्जिद देखी, दूरों मीलों मीलों तक पानी का नामो निशान नहीं, दरख्त नहीं, अब छोटी छोटी पहाड़ियाँ। फिल्मों में आप जरा गौर कीजिए, मेरी बातों से गौर कीजिए, छोटी छोटी पहाड़ियाँ फिल्मों में दिखाते हैं कभी कभी, ये मैथोलॉजिकल फिल्म में दिखाते हैं, ये शंकर भगवान का है तो इनका इन भगवान का एक एक चोटियाँ होती है, आप गौर कीजिए उस तरह की चोटियाँ, मीलों छोटी 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 ऊँचाइयाँ पहाड़ी छोटी छोटी एकदम, और उनका रंग कैसा, मटियाला रंग, उनका रंग मटियाला को सूरज की रोशनी की तरह पीलापन दिया हुआ मिट्टी, दूर दूर तक ये नहीं, दरख्त नहीं, पेड़ नहीं, कुछ नहीं, गांव जो है चार लोगों का गांव है, और इस तरह से कबीले बेचारे बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में साल भर, साल के हर दिन फैमिलीज के फैमिलीज, ट्राइब के ट्राइब घूमते रहते हैं पानी की तलाश में, गजा की तलाश में, ये हालत है मतलब बलूचिस्तान की। और भी बहुत कुछ है, अभी ज़्यादा क्या बताएं, हम बहुत दिखाया भी बहुत कुछ हमने इसके बारे में। इसी तरह से सुबह सरहद का भी है, पठान लोग बहुत ही भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, उनको कुछ नहीं मालूम होता है, और उनके इलाके में जो है तरक्की और विकास नाम की चिड़िया का दूर दूर तक पता नहीं है, उनसे बातें कीजिए तो अजीब अजीब बातें करेंगे। हमको तो माफ कीजिएगा मीडिया वाले, हम खुद यहाँ भी लोग हैं, हमने वो पाकिस्तान, वो पठानों का पाकिस्तान, वो बलूचिस्तान का पठान हमने देखा ही नहीं, हमने महसूस किया ही नहीं, जिसको हमारे यहाँ पेश किया जाता है। एक अजीब सा हमारे यहाँ तो फैशन हो गया है, पठान है, दाढ़ी है, टुफी है, या एक गन है, एक अजीब सा पेश किया जाता है। कराची जाइए आप, कराची में देखिए पठानों को ठेला ठेलते हैं, गड्ढा खोदते हैं, यहाँ टेलीफोन लाइन भैया लोग जिसे करते हैं ना गड्ढे खोदते हैं, वहाँ सब पठान, सब बलूच लोग, बोझा ढोते हैं आपके वहाँ कराची का जो ये है बंदरगाह है, वहाँ बंदरगाह पे जितना बोझा ढोने का काम ये लोग करते हैं। पठान अपना वहाँ ये है क्या बोलते हैं वॉचमैन, हर जगह हर घर में पाइएगा वॉचमैन पाइएगा, हर घर में पठान वॉचमैन, कहीं कहीं एक दो जगह आपने देखा कराची में खाना भी पकाता बेचारा पठान लोग, कि क्या करेगा, हमने कहा भी कि खान साहब खाना पका रहे यार तुम, पठान आदमी क्या करेगा साहब, जो मिल जाए काम, इस कदर बेरोजगारी है मतलब पठानों में। इत्तेफाक से ऐसा हुआ ये कि हमको पठानों के बीच में कराची में रहने को मिला, जहाँ हमारा रिश्तेदारों का घर था वही पठानों का वो इलाका था, वहाँ रहे हम। अब बहुत हमने देखा यार ये मतलब बाद में जब इतने हंगामे हुए और जब लगा कि क्या ये पठान है, अरे चलिए इसी सिलसिले में थोड़ा हट के हम बता दें, पिछले साल में जो यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं, पिछले साल पाकिस्तान में पश्तून भाषा में पूरे पाकिस्तान में 34 फिल्में बनी, पिछले साल 34 फिल्में बनी लाहौर में, 34 फिल्मों में 16 फिल्में जो थी वो पश्तून जबान में बनी, जी पश्तून जबान में बनी 16 फिल्में, बाकी फिल्में जो हैं सो कितना की 14, बाकी जो फिल्में थी वो बनी उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, उर्दू में 6 या 7 बनी बस। ये 16 फिल्मों की खपत कहाँ होती है साहब, सोचने की बात है, ये फिल्मों की खपत कहाँ होती है, दूर दराज अफगानिस्तान के अंदर तक, और इसमें जितने ये बोलते ना तालिबान और वगैरह वगैरह सब मुल्ला फलाह ढबका सब लोग देखते हैं, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके वहाँ फिल्में दिखाई जाती हैं, और उनकी जो हीरो हीरोइन जो है ये लंबे चौड़े पठान सब होते हैं, लड़कियाँ उनकी औरतें भी आजकल हीरोइन होने लगी हैं वहाँ की। इतना ही नहीं जावेद साहब, हर फिल्म में वहाँ ज़रूरी हो गया है कि हीरोइन जो है बारिश में भीगे आना चाहिए, और जब वो सीन आता है तो धाएँ धाएँ ऊपर में कुछ लोग बंदूक चलाते हैं, जमदम चलाते हैं, हाँ ये वो पाकिस्तान है। हम जब अपने वहाँ कराची में जब थे तो एक सुबह दो गोलियां चली, पूछा अपनी फूफू तो मेरी फुआ दो गोली चली दो, कितना गोली था रे, हम बोला दो गोली था, लड़की हुई होगी एक दिन तबाक से चार गोली चली तो बोले हाँ देखा आज लड़का हुआ आज। तो मैं ये बड़ा भोले भाले लोग ये, तो जब हम आने लगे कराची से कम 7-8 वहाँ के जर्नलिस्ट लोग मिलने आए हमसे, खबर फैल गई थी कि वो बम्बई से आए हुए ऐसा,
और हिंदुस्तान से कोई भी जाता है, कोई भी जाता है, सर आंखों पे बिठाते हैं लोग, खासतौर से मुहाजिर लोग सर आंखों पे बिठाते हैं, एक एक चीज पूछते हैं, डिटेल पूछते हैं, एकदम समझिए कि हम क्या बताएंगे आपको, बोलना मुश्किल, लफ्ज नहीं मेरे पास है। यानी जब कराची गए तो वहां मिलने आए, वहां जब वापस आ रहे थे कई जर्नलिस्ट मिलने आए, तो उन्होंने पूछा, हाँ जी आप बेनजीर से मिले? हमने कहा नहीं मिले। नवाज शरीफ से मिले? तो हमने कहा नहीं मिले। इससे मिले? नहीं मिले। उससे मिले? नहीं मिले। तो फिर मिले किससे? उन्होंने पूछा, हाँ किससे मिले आप? हमने कहा हम आपके ठेले वाले जो खान साहब खोंचा बेचते हैं ना, हम उससे मिले। आपके जो गड्ढा खोजते हैं पठान सरहद, उससे हम मिले। आपके वाचमैन जो ना, हम उससे मिले। अरे साहब एकदम उनकी चुप्पी हो गई, ये क्या क्या कर रहे हैं? हमने कहा भाई ये वो बेनजीर का पाकिस्तान और उसका पाकिस्तान बहुत देखा बहुत सुना, इनका पाकिस्तान क्या है? और ये जो पाकिस्तान नवाजा मेरी किताब है, ज्यादातर ये उनका ही पाकिस्तान जिनके बारे में हम बोल रहे हैं। आपको साड़ी कैसे बांधी जाती है? कोई आपको कहीं नहीं मिलेगा। साड़ी कैसे बांधी जाती है? कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में हिंदी की क्या पोजिशन है? कहीं नहीं मिलेगा आपको। पाकिस्तान में गीता के सम्मेलन होते हैं, पढ़ा है आप लोगों में से कितने लोग जाते हैं, सुना होगा आपने। पाकिस्तान में महाभारत में चर्चा चलती है, एक एक साल छह छह महीने महाभारत में चर्चा चलती है। ये सब होता है पाकिस्तान, ये सब भी होता है पाकिस्तान में, लेकिन इसे कहीं इसका चर्चा नहीं होता। पाकिस्तान में बसंत पंचमी मनाई जाती है, पूरा लाहौर और पूरा मुल्तान बसंत पंचमी के दिन में इससे पतंगों से पट जाता है, और हर घर में वहाँ छत पर खूब खाना पकता है। पंजाबी लोग सिर्फ खाने के बहुत शौकीन है, खाना पकता है और उसके बाद में ये पतंगे लड़ाई जाती है, और सर्च लाइट से अब पंखे से बड़े बड़े पंखे से उड़ाया जाता है हवा, अगर पतंग नहीं होता। ये इतने शौकीन है लोग, ये बसंत ऋतु ऐसा ऐसा वहाँ मनाते हैं बसंत ऋतु, और पूरे कॉलेजों में यहाँ वहाँ लड़कियाँ खासतौर से सब के ये गुलाबी रंग के क्या रंग होता है वो बसंती रंग के दुपट्टे होंगे, साड़ियाँ इस तरह के पहनावा, ये पाकिस्तान में होता है। ये बसंत त्यौहार लोगों ने बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं कि उसके अपोजिट लोगों ने, मुल्लाओं ने या उसके जो लोग नहीं मानते उन्होंने कोशिश नहीं की, उसको बहुत कोशिश की उसको दबाने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उसको ख़त्म बसंत को, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। बहुत से तालिबान ने और मुल्लाओं ने यह भी कोशिश की कि जो मज़ारों पे जाते हैं लोग, मज़ार पे माथा टेकते हैं, हमारे यहाँ माथा टेकते हैं, ख्वाजा अजमेर शरीफ से लेकर के माही मारे दरगाह हर जगह माथा टेकते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, मांगते हैं, सब लोग जाते हैं, क्या करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में जगह जगह जी पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध में जगह जगह पाइएगा इनके मज़ार, सूफियों के और संतों के पाइएगा। और ये जो सूफी संत जो है वो जो पाइएगा वहाँ पे, लोग जाते हैं वहाँ, जो चादर वादर चढ़ाते हैं उनका एनुअल जो होता है, खूब गाजे बाजे के साथ औरतें मर्द बच्चे झूम झूम के नाच के जाते हैं, नाचते हुए जाते हैं झूम झूम के, खूब डंका बजेगा और ये होगा और इससे नाच नाच के जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, और वो सब करेंगे जो यहाँ करते हैं। उसको बंद करने के लिए बहुत कोशिश किया गया, नहीं हुआ। तो जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के मुसलमान जो, जैसे हम लोग कहते हैं जैसे सूफी मुसलमान है, वही सूफी मुसलमान जो हिंदुस्तान में उनकी तादाद बहुत बड़ी तादाद में, और सूफी मुसलमान उसको कोई जो है बदल नहीं सकता। और जो लोग डरते हैं, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा अपना ख्याल है कुछ नहीं होगा। हमेशा हम बोलते हैं, हमेशा लिखते रहे, सूफी इस्लाम है वहाँ कुछ नहीं होने वाला। तालिबान और कुछ लोग जो है कट्टरपंथी थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत यहाँ भी है वैसे लोग, तो थोड़े बहुत रहने में कोई हर्जा नहीं होता, ज़्यादा नहीं होना, होगा भी नहीं। यहाँ के नेचर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ की बारिश, यहाँ की कुछ और है यहाँ। तो मेरा ये जो पाकिस्तान नमाज हमने लिखा है, ज़्यादातर ऐसे ही लिखा, सब्जेक्ट जो हमने उठाया जैसा आपको बताया, हमने साड़ी के बारे में लिखा, वहाँ के फिल्मों के बारे में लिखा, वहाँ के हिंदुओं के बारे में लिखा हमने, पाकिस्तान के हिंदू कई दो तीन मजमून लिखे, बड़े बड़े मजमून लिखे हमने। अभी पाकिस्तान के सिख, अभी वहाँ एक सिख जो है वह ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना, अभी लाहौर में वो इस पर कोई चौक है वहाँ पर बड़ा मशहूर, वहाँ लक्ष्मी चौक बोलते हैं वहाँ भी, तक इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, इस तरह से बहुत सारे। अच्छा, औरत, एक औरत जो जनरल बनी, कोई लेडी उनका कुछ नाम है इसमें, इस तरह से क्या है वो पाकिस्तान जो नज़र नहीं आता। और ये सब लोग ये पढ़ना चाहते हैं, लोग जो एक और पाकिस्तान को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, और इसीलिए जो मेरा कॉलम जो इतना साल छपा और आज भी जो छप रहा है, यही वजह है। कब वो पाकिस्तान नहीं दिखाते हैं जो जो सब लोग दिखाते हैं, मेरा पाकिस्तान मेरा कुछ और भी है, लोग हैं, लोग पीपल, वही लोग जो लोग हमारे वहाँ पाकिस्तान में घर घर में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर और आशा भोसले और इनके गीत गाने गज़ल
घर घर में पाएंगे, किशोर कुमार सब, और यहाँ की जितना माधुरी दीक्षित को वहां जानते हैं लोग उतना आप लोग हम लोग नहीं जानते हैं, जितना सलमान खान वहां फेमस, जितना वहां जाने जाते हैं वहां सलमान खान, यहाँ इंडिया में नहीं जानते हम लोग सलमान खान का उठना बैठना, ये शाहरुख फारूख जितने लोग हैं बेताशा जाते लोग, आई मीन माफ कीजिएगा भाई जवाब सॉरी करे, मतलब ये जितने फिल्मी लोग हैं छोटे बड़े, अब हर पाकिस्तानी जो आता है इंडिया आता है सबसे पहला जो उसकी ख्वाहिश होगी पहली या दूसरी ख्वाहिश, हमने देखा दो तीन लोगों को, बड़े बड़े को देखा, छोटे देखा, सर अमिताभ बच्चन का घर दिखा दो ना, मेरी मेरी मैंने अभी ऐसे रिश्तेदार आते हैं तो दिलीप कुमार का बंगला दिखा दो, अमिताभ बच्चन का घर दिखा दो, घर दिखा दो भाई, शूटिंग दिखाया तो क्या बात है, फिर तो सब मतलब वो निहाल हो गए, वो मतलब बहुत बड़ी उनकी कोई पीर के आ गए वो ऐसा लगता है, तो ये अभी इस कदर जो कल्चरली और ये इतना बॉन्ड जो इतना मजबूत है, और ये जो ये बॉन्ड और क्यों नहीं आगे बढ़ता है, सरहद के पार क्यों नहीं जाता, ये बड़ा सवाल है, अभी इसको बताने जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब 25 साल पूरे हो गए इसके, तो हमने किताब छापी हिंदी में लिख रहे थे, तो लगा आपको कि हिंदी में किताब छपनी चाहिए, जब हिंदी में किताब छप गई तब ये पाकिस्तान में जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों ने कहा, तो पाकिस्तान में हिंदी आपको सुनकर ताजुब होगा, पाकिस्तान में एक कॉलेज हुआ दयाल सिंह कॉलेज हुआ लाहौर में, 40,000 हिंदी की किताबें वहाँ, सब पढ़ी हुई, कोई जानने वाला हिंदी जानने वाले पाकिस्तान में, हिंदी नहीं देवनागरी कहने ज़्यादा अच्छा, देवनागरी जानने वाले पाकिस्तान में अब खत्म हो गए, अभी नहीं है, सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है हो रही है, क्या करें उन किताबों का, हिंदी का क्या, हिंदी पढ़ाई जाती है एम ए लेवल तक देवनागरी, वो उन किताबों का क्या, यहाँ हिंदी दिवस मनाते, हमने अपने कॉलम में पिछले 25 साल से लिख रहे हैं हमेशा कि हिंदी दिवस यहाँ मनाते हैं, हिंदी दिवस पाकिस्तान में मनाया जाए, अब पाकिस्तान में हिंदी को कैसे हम फरोग दें, कैसे उसको बढ़ाएं, इस पर बातचीत किया जाए, तो कोई लिखने वगैरह का ज़्यादा असर नहीं होता है, एनीवे फिर भी पाकिस्तान में हिंदी, इस पर भी हमने ये किया है, और ये तो बताया नहीं हमने, अगर पाकिस्तानी शायरी क्या क्या बताया आपको, अगर पाकिस्तान में जो शायरी है हिंदी इस कदर उसमें इस्तेमाल होता है पूछिए मत, बहुत हिंदी के दोहे में, बहुत दोहे दोहा एक वहाँ ये है, मतलब एक ट्रेंड है वहाँ शायरी का, वहाँ दोहे में तो बहुत बहुत एक से एक, हाथ में लेके बंसुरी मुंह पे छिड़के नीला रंग, सभी बने कृष्ण तो राधा नाचे किसके संग, ये लिखने वाला पाकिस्तानी शायर जमील जाना, बहुत इस तरह के लोग हैं, तो कहने का मतलब है कि एक और सा पाकिस्तान को हमने पेश किया, और इसीलिए जो ये कामयाबी से चलता रहा, आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों में से अगर ये इसकी जो कीमत है उससे आधी से भी कम मैं हमने रखी है वहाँ, आप जरूर लेके जाइए उसको एक कॉपी, और अगर चाहिए आप पैसा नहीं है तो ले जाइए बाद में दे दीजिए, मगर दे दीजिएगा तो अब ये हिंदी में भी है, और ये उर्दू में किया हमने, उर्दू में इसलिए भी किया कि लोग कहते हैं इसको पाकिस्तान जाना चाहिए, और हम पाकिस्तान भेजेंगे इसको, मेरा ख्याल हमने राधा जी बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, हम अपनी बात खत्म करते हैं, एक बार शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए, आप लोगों ने सुना, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज अशरफ साहब, बहुत दिलचस्प बातें बताई, दरअसल फिरोज अशरफ साहब का पाकिस्तान को देखने का जो नज़रिया है और जो उनकी नज़र है वो हम सबसे मुख्तलिफ है। मैंने भी 1988 में पाकिस्तान का सफ़र किया था, लेकिन मुझे वो चीज़ें क्यों नज़र नहीं आई जो इन्हें नज़र आई, इसकी वजह यही कि शायद मेरे पास वो नज़र नहीं है जो फिरोज़ अशरफ साहब के पास है। उन्होंने वहाँ के मुल्लाओं का जिक्र किया, एक और बहुत दिलचस्प तस्करा वहाँ के मौलवियों का उन्होंने अपनी किताब में किया है कि पाकिस्तानियों की औरतों की हॉकी टीम पाकिस्तान से बाहर जा रही थी किसी इंटरनेशनल मुकाबले में, तो वहाँ के मुल्लाओं ने और असेंबली के मेंबरान ने ये एतराज़ किया कि औरतों की टीम जो है वह बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते साहब? इसलिए कि कोई मुसलमान औरत अगर एक रात का भी सफ़र किसी गैर मर्द के साथ करे तो उसका निकाह टूट जाता है, और हदीस शरीफ का हवाला दिया गया, बाद में जर्नलिस्टों ने खंगाला हदीस शरीफ को, तो कहीं भी वो बात नहीं निकली, तो फिर उनको चैलेंज किया गया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, वो एक अलग बात है। पठानों के ताल्लुक से उन्होंने इतनी मुख्तलिफ बातें बताई, आज तक हम नहीं जानते थे, हम तो आज तक कर्ज देने वाले पठानों को जानते थे जो हर पहली तारीख को ऑफिसों के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, अब वही काम वो कर्ज पे किताब देना चाह रहे हैं, तो पता नहीं उन पठानों का असर है या क्या बात है, मुझे नहीं मालूम। एक और मुबारकबाद के मुस्तहिक फिरोज अशरफ साहब हैं कि उन्होंने 25 बरस तक अपने आप को इस किताब के शाये होने से रोक के रखा, ये बहुत बहादुरी की बात है, वरना हमारे यहाँ ऐसे भी शायर मौजूद है जिनकी किताब पहले आती है शायरी वो बाद में शुरू करते हैं, लेकिन हमारे दरमियान एक
दरमियान एक बहुत ही जेन्युइन शायर आज मौजूद हैं जो ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए और अपनी एक नज़्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौज़ों पे हमें सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, जनाब राजेश के गेरा। इन्होंने वादा किया है कि ये अपनी नज़्म 3 मिनट में ख़त्म कर लेंगे, आप घड़ी भी देखते रहिए और इनके नज़्म से भी लुत्फ़ानंदोज़ होइए। जनाब राजेश के गेरा। धन्यवाद। वो सेकंड कैटेगरी के शहरों के लिए बुक अभी पब्लिश होनी बाकी है। ये दिस इज मेरा टाइम तब शुरू होगा जब मैं शुरू करूँगा। बस अब ये हमारे फादर जो है इंडो पाक पार्टीशन में वहाँ से शिफ्ट हुए थे, तो उनकी जो कसक आज हमारे साथ रहते हैं, तो उनकी जो पीड़ा जो आज भी हम देखते हैं उससे इंस्पायर होके ये कुछ लाइनें हैं। 30-40 पैरा है पर आपको कम कश्मीर विल रीड आउट अबाउट 8-10 पैरास। टाइटल अमन की आशा। सांझा था दरवाजा और सांझी थी दीवार, अपनों से ज्यादा उन दीवानों का प्यार। ईद इस आंगन दिवाली रहमान यहां मनाते थे, अल्लाह और राम सांझे आंगन में सज जाते थे। कहां अपना घर खत्म और उनका होता शुरू, ये उलझन मन में रहती थी। रेखाएं तो मन में खिंची हैं पुत्र, रहमान की दादी भी यही कहती थी। पर बंटवारा हुआ और एक ही पल में जैसे सब कुछ मिट गया, गलियों का शोर दिल के कोने में सिमट गया। सालों की बातें और फिर पुरखों की फरियादें, पलक झपकते बन गई फिर जैसे सदियों की यादें। और आज कौन छुपा है दिल के किस कोने में, वो यादें आज भी सताती हैं। कितने ही नकाब पहन ले ये वतन, वो तस्वीरें फिर भी साफ नजर आती हैं। सरहद की बात चली आज तो याद आया, बस यही एक आंसू है जो आज भी सूखता नहीं है। एक दर्द मन में जो कभी भी भूलता नहीं है। हम लाख मील चल लें पर ये सच है, मगर उन यादों का काफिला हमसे छूटता नहीं है। और इस गोष्ठी में के बीच में आप लोगों के बीच में आके ऐसा लगता है जैसे मन कहे आज मैं फिर से पंछी बन उड़ जाऊँ, सरहद पार आंगन की छाँव में जा छुप जाऊँ। वहाँ की माटी वहाँ का दरिया क्या सालों साल बुलाते हैं, जब भूलने लगता है खुद अपने को तो वो गुजरे पल याद आते हैं। झूला तो अब भी वही है, सुना है झूला तो अब भी वही है, लगता है जैसे सब सही है। इतना तो बता दे बंधु मेरे, क्या बूंदे चंद वहाँ भी वही है। आज फिर उड़ने को क्यों जी चाहता है, बेगानों के गम पीने को जी चाहता है। कौन कहता है दोस्त वो रूठ गया है हमसे, कौन कहता है वो दोस्त रूठ गया है हमसे, कोई दिल से बुलाए उसका भी जी चाहता है। तो हे खुदा ये रिमझिम बूंदे यूं ही होती रहें, मन मंदिर में अपने अमन के बीज बोती रहें। आओ मिलकर फिर से हम बहुत दूर निकल जाएं, आओ मिलकर फिर से हम बहुत दूर निकल जाएं, जो ना बिछड़े थे कभी दिल से एक बार उन्हें मिलाएं। मिलेंगे यहाँ की मिट्टी में जब वहाँ का बारिश का पानी, मिलेगा यहाँ की मिट्टी में जब वहाँ की बारिश का पानी, गुजरे पल पे लिखेंगे मिलके नए क्षितिज की कहानी। इंतज़ार बहुत किया है अब मिलन की बारी है, इंतज़ार बहुत किया है अब मिलन की बारी है, वर्षों के असरों की आज बरसने की तैयारी है। और आखिर में अब यही आशा है इस मन में, अब यही आशा है इस मन में, कल का सूरज अमन का होगा। अब यही आशा है इस मन में, कल का सूरज अमन का होगा, जो मिलेगा प्यार से सबको बस वही इस चमन का होगा। थैंक यू। थैंक यू जी। हजरात, हमारे राजेश के गेरा साहब ने 3 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात पूरी कर दी और बहुत मुतासिर कुन बात कही। और मैं जानता था कि वो 3 मिनट में बात खत्म कर देंगे, इसलिए कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़े आला ओहदे पर हैं और आप जानते हैं कि आला ओहदे पर रहने वाले को कितना डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो ख्वातीन हजरात, अब हम प्रोग्राम के दूसरे या आखिरी हिस्से की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ संजीदा गुफ्तगु भी हो जाए कि फिरोज अशरफ, जिनकी किताब पर अभी हम गुफ्तगु करेंगे, वो अदीब भी हैं और फ़नून लतीफ़ा यानी फ़ाइन आर्ट्स के दिलदादा भी और तरक्की पसंदी के अलमबरदार भी हैं। उन्हें पैगंबर इस्लाम की वो मशहूर हदीस भी याद है कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो,
मगर जब वो ये सुनते हैं कि पाकिस्तान में मजदूरों को पसीना सूखने से पहले उनके सीनों में गोलियां दाग दी जाती हैं, यूनियन और हड़ताल पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो उनके कलम से आंसुओं की शक्ल में कॉलम निकल पड़ता है। वो रोजनामा जंग के मुदीर आला मीर खलीलुर रहमान, मशहूर सहाफ़ी ज़मीर नियाज़ी, मिजाह निगार इब्ने इंशा और बागी शायरा परवीन शाकिर की नावक्त मौत पर भी अपने कॉलम के जरिए उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामे, टेलीविज़न और फिल्म के जवाल पर भी मरसिया खां होते हैं। उन्हें हिंदुस्तान में पाकिस्तानी किताबों और पाकिस्तान में हिंदुस्तानी किताबों की अदम दस्तियाबी का दुख भी है, दुख भी खाए जाता है और दिल का ऑपरेशन कराने के बाद तो उनके हर कॉलम में इनकी धड़कनें ये पैगाम देती, साफ सुनाई देती हैं कि दोनों मुल्कों के मसाइल कमोबेश यकसा हैं और दोनों को मिलकर उनका मुकाबला करना चाहिए और अच्छे पड़ोसियों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। यही इस किताब का मैसेज है। आज इसी पर हमारी गुफ्तगू होगी, पैनल डिस्कशन होगा और हमारे दरमियान हमारे स्पीकर्स में जो सबसे मॉडरेट शख्स हैं जनाब जावेद आदम साहब, वो उसके मॉडरेटर होंगे। पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए मोहम्मद वजीउद्दीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, जावेद आनंद साहब सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और कम्युनिज्म के खिलाफ एक तवील जंग इन्होंने छेड़ के रखी है। मजहर कामरान साहब फिल्म मेकर भी हैं, दानिश्वर भी हैं। विश्वनाथ सचदेव जी शायद तशरीफ नहीं लाए हैं। सरफराज आरजू साहब हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शर्मिला कुलकर्णी जी हैं जो डेंटल सर्जन और शायरा दोनों हैं। नूरजहां सफिया नियाज जो फाउंडर मेंबर हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की और सटायरिस्ट भी हैं, मुझसे बेहतर ही सटायरिस्ट होंगी। तो इन तमाम पर मुश्तमिल आज हमारा ये डिस्कशन शुरू होगा। मैं हमारे मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले जावेद आनंद साहब से कि वो इसका आगाज करें और कराएं। आज की मीटिंग की शुरुआत इस शिकायत से की थी कि आपको एक हफ्ते की मोहलत से मिली। मेरी शिकायत आपसे ज्यादा लंबी है क्योंकि मुझे यहाँ आने के बाद चाय पीते पीते ये बताया गया कि ये सेशन मुझे मॉडरेट करना है। ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन मी क्योंकि सुधींद्र कुलकर्णी द ग्रेट जो है तो उनको अचानक जाना पड़ा, जो ये टू गो बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, तो इसलिए जो है तो मैं चुना गया हूँ शायद कुर्ते की वजह से, पता नहीं। जो खैर ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान नामा किताब के रिलीज़ के वक्त आपकी पार्टीशन की माय सॉइल माय सोल के रिलीज़ के वक्त कुछ अमन की आशा की बात भी हो जाए। पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों एक ही हैं, लोग एक ही हैं, जिसका जिक्र अभी फिरोज साहब ने काफ़ी डिटेल में किया, मगर इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो मुझे याद आती है वो हमारे पाकिस्तान इंडिया फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी नाम की एक तंजीम है 92-93 से मेरे ख्याल से, जतिन देसाई हैं कि नहीं थे तो पहले यहाँ पे वो उसके काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं महाराष्ट्र के। तो इनकी 95 या 96 में पेशावर में जो एक मीटिंग थी वहाँ पे इत्तेफाक से हमारे फादर इन लॉ अतुल सतलवाड और मदर इन लॉ सीता सतलवाड वो भी उसके मेंबर थी, तो वो गए थे पाकिस्तान पेशावर में, और या तो पेशावर में या मुझे याद नहीं कि लाहौर में, दो में से एक जगह कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे टैक्सी में और किसी मैदान से गुजर रहे थे जैसे अपना आज़ाद मैदान होता है, तो वहाँ पे कोई बड़ी जोशीली तकरीर कर रहा था खूब चिल्ला चिल्ला के, शायद हाफिज सईद साहब जैसे कोई रहे वगैरह वगैरह। खैर तो इन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि ये कौन है भाई, क्या कह रहे हैं। बोला जी कुछ नहीं, ये हमारे बाल ठाकरे हैं, ये हमारे बाल ठाकरे हैं। उतनी बात समझ में आ गई, फिर और कुछ डिस्कशन डिटेल की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं, हम में से जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान से जो लोग जो है तो हिंदुस्तान आए हैं, मिसाल के तौर पे अभी 10 साल पहले जो है तो लाहौर अपना बेंगलोर में जब यही इंडो पाक की मीटिंग थी पीपल्स फोरम की,
तो पाकिस्तानी जो यहाँ पे आए बम्बई, यहाँ से फिर फ्लाइट पकड़ के हो गए जो तो बेंगलोर, तो टैक्सी यहाँ पे कुलाबा में कहीं ठहरे थे कुछ लोग, टैक्सी में वो यहाँ से बैठ के अपना एयरपोर्ट गए सांताक्रूज एयरपोर्ट जो बेंगलोर जाने के लिए, रास्ते में बातें होने लगी तो टैक्सी ड्राइवर को समझ में आ गई कि ये कुछ पाकिस्तानी है कुछ हिंदुस्तानी है। आपको पता है एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी वाले या पहले तो बहुत नखरा करते हैं, उसके ऊपर मीटर के ऊपर कुछ पैसा मांगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जब पैसे की बात है, बोला साहब पैसा नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं। और इस तरह की जो कहानियाँ आप जो तो हज़ार कहानियाँ, खासतौर से 2003 में जब पाक इंडिया क्रिकेट सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त अगर आप अखबार उठा के देखें तो दी अमाउंट ऑफ बोहेम होमी और इतनी दोस्ती और इतनी कैसा लगता था कि वो पार्टीशन हुआ क्यों पता समझ में नहीं आता। जो पाकिस्तान के वहाँ पे चूंकि पाकिस्तान में रहा था, पाकिस्तान की ऑब्वियसली ऑडियंस स्पेक्टेटर ज़्यादा थे, तो वो अपनी तरफ से हिंदुस्तान के फ्लैग्स लेके आए थे, साहब आप लोग कम हो तो आपके साथ हम भी जो चेयर करने के आपकी टीम के, आपको ये ना लगे कि आप बहुत कम नंबर में हैं। तो ये दोस्ती, ये जो माहौल एक दूसरे का अपनापन अपनाइयत की एक जो फीलिंग है, वो म्यूज़िक में देखिए, वो खाने में देखिए, वो बोलचाल में देखिए, वो हमेशा हमेशा आपको नज़र आती रहती है। फिरोज साहब ने काफ़ी डिटेल में उसकी बातें की। पता नहीं जब ऐसे लोग जिनके बारे में फिरोज साहब को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और जनरल वगैरह, वहाँ पे पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है। परेशानी उसी की है, पीपल टू पीपल अगर जो कांटेक्ट बढ़े, और ये बात हमेशा होती रहती है, आप किसी भी पाक इंडिया फोरम में बात करें तो ये बात अक्सर होती रहती है कि पीपल वर एबल टू एस्टैब्लिश कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल, ये जो म्यूचुअल सस्पिशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक तो है बहुत कम, उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, जो है भी वो दूर हो जाएगी। और पिछले छः महीना साल भर में जो माहौल चल रहा है, स्पेशली वो जो अभी कयानी साहब का एक स्टेटमेंट कुछ दो तीन महीना पहले आया, पाकिस्तान आर्मी इज नाउ टॉकिंग पीस इन अ सर्टेन लैंग्वेज, तो लगता है कि ये माहौल, आज का माहौल जो है, तो इट इज वेरी फेवरेबल फॉर पीस। तो इसलिए ये अच्छा वक्त है कि हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर से इत्तेफाक से जनवरी 25 और 26 इस साल हमने रिपब्लिक डे जो है तो पाकिस्तान में मनाया, लाहौर में, क्वाइट बाय चांस। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े सुरमा थे, मुझे कैसे बुला लिया था पता नहीं, कुछ 5-6 लोग इंडिया के थे और 5-6 लोग पाकिस्तान के थे। इंडिया से एक फॉरेन सेक्रेटरी, रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी, एक रिटायर्ड रॉ चीफ, एक मेजर जनरल रिटायर्ड पाटंकर वगैरह वगैरह, इस तरह के मैंने तो हाई लेवल के, उनके काउंटर पार्ट्स पाकिस्तान में के लोग, रिटायर्ड जनरल ये, रिटायर्ड एम्बेसडर वो, फॉरेन सेक्रेटरी फलाना ढिमाका, तो वहाँ पे भी यही बात वो उस वक्त जब कर रहे थे कि जो है तो द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड इन पाकिस्तान, देर इज़ अ सर्टन चेंज हैपनिंग इन द मूड एट द अपर एचलॉन्स ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट। तो हम जैसे लोग थोड़ा उसमें स्केप्टिकल थे कि ये आज ऐसी बात कर रहे हैं, पता नहीं ये कितना सच है कितना गलत है, बट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द डेवलपमेंट्स सब्सिक्वेंटली कि वाकई में आज का सिचुएशन जो है तो काफ़ी होपफुल सिचुएशन है। इस होपफुल सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आप जैसे लोग, उसके बारे में कुछ बातें अगर करें तो मैं आपसे सिर्फ ये बात करके ख़त्म करता हूँ कि द वन कॉमन थिंग वो जो वहाँ पे एट दिस लेवल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी एंड रिटायर्ड रॉ चीफ, जो काफ़ी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट में इंडिया और पाकिस्तान में, वो ये कह रहे थे साहब सबसे बड़ा प्रॉब्लम वीज़ा का है। ये वीज़ा रिजीम जो ब्यूरोक्रेसी दोनों तरफ की है, जो जिन्होंने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं, इसको रिलैक्स होना चाहिए, वो रिलैक्स हो। उसके बाद आज जो है तो सबसे बड़ी बात जो हो रही है ट्रेड रिलेशनशिप्स, बिजनेस रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। एंड आई वाज क्वाइट अमेज एंड ऑल ऑफ अस वर क्वाइट अमेज, पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक पेपर पढ़ा और वो पेपर पढ़ा जो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के कहने पे, व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर, पे तैयार किया था कि हाउ इट इज़ इन द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान टू ओपन अप द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है,
ये पूरा रूट जो ट्रेड का एक था उसमें पाकिस्तान जो मिडिल में बीच में है बहुत प्रॉस्पेरिटी उसके हिस्से में आती थी। उसने जैसे कि खुद अपने आप अपने आप, अपने पेट पे खुद लात मारने जैसी बात थी। तो द एटमोसफियर टुडे इज वेरी कंड्यूसिव एंड द फैक्ट दैट नाउ बिजनेसमैन आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द टॉप बिजनेसमैन फ्रॉम बोथ कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट सेवरल मीटिंग्स हैव टेकन प्लेस एटसेट्रा एटसेट्रा। आई थिंक इट्स अ मोस्ट वेलकम सिचुएशन विच वी शुड ऑल वेलकम एंड I would now pass on the baton to other members on the panel to make suggestions, perhaps especially in the area of media exchange, for example. Media can play a big role. Yahan pe humko baithe baithe jo CNN aur BBC mil jata hai, but we do not have the same kind of access to the Pakistani media, print, electronic, whatever it is, and vice versa. तो उसकी बात हो सकती है, cultural exchange की बात हो सकती है. We began the meeting today by remembering Mehdi Hasan. Who said that मुझ पर जो है तो हिंदुस्तान का उतना ही हक है जितना पाकिस्तान का है. कल्चरल एक्सचेंजेस, ट्रैवल, टूरिज्म, क्रिकेट, क्रिकेट इज अ बिग एरिया. सो एनी वे आई लीव इट ओपन नाउ टू द अदर पैनलिस्ट. थैंक यू.